Please click on subscribe button to subscribe my channel for latest videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम कोरोड्रा को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने कोरोड्रा में फाइल का मेन्यू टैब पढ़ लिया था, तो आज एडिट शुरू करते हैं। एडिट में सबसे पहले अंडू। अंडू मींस के आप कोई शेप बनाएं, कोई टेक्स्ट लिखें या जो भी लास्ट वर्क जो आपने किया है तो उसको अंडू करना चाहें, बैक जाना चाहें। एक्स्ट्रा बैक जाने के लिए आपको एडिट में क्रिएट अंडू पे क्लिक करना होगा। कंट्रोल जेड इसकी शॉर्टकट है। यहाँ पे क्लिक करने पे एक स्टेप आप बैक हो जाएंगे। अगर अगेन आप अंडू क्रिएट करें, ये साथ बाय डिफ़ॉल्ट जो जो काम आप करेंगे वो लिखा हुआ आ जाता है ना, तो कंट्रोल जेड से एक स्टेप और बैक चलेगी। इसी तरह आपके पास अंडू के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रीडू। अंडू को वापस लाना है आपने तो रीडू क्रिएट। अभी लास्ट टाइम हमने एक शेप क्रिएट की थी तो उसको रीडू करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट जेड इसकी शॉर्टकट है, इस पर क्लिक करें तो रीडू हो जाएगा। अगेन रीडू क्रिएट में एक और शेप हमने, तो अगर शॉर्टकट से यूज़ करने कंट्रोल जेड और शॉर्टकट से रीडू करने कंट्रोल शिफ्ट जेड। इसके बाद रिपीट के ऑप्शन ये है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाई है, आप इस रेक्टेंगल पे यहाँ पे सेंटर पे एक दफ़ा क्लिक कर लें, इसको थोड़ा सा हम रोटेट कर लेते हैं। अब जो हमने लास्ट एक्शन किया है क्या किया, रोटेट किया, तो रिपीट रोटेट पे जब मैं क्लिक करूँगा ये थोड़ा और रोटेट हो जाएगा। कंट्रोल आर करूँगा तो ये इसी तरह एक एक स्टेप रोटेट होती रहेगी। अब इसी कमांड को यूज़ करते हुए मैं आपको एक दो चीज़ें अभी सिखाता हूँ बनाना। आप रेक्टेंगल लेके इस तरह ये शेप बना लें। आप ये शेप बनाने के बाद तो अब इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। एरो टूल यूज़ करके इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा ये रोटेट करता हूँ। अब आपने राइट क्लिक करना है और लेफ्ट क्लिक को नहीं छोड़ना, तो राइट क्लिक करके अब मैंने दोनों क्लिक छोड़ दिए। अब कंट्रोल आर दबाया, अब यहाँ से भी वही रिपीट कमांड, रिपीट डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो इस तरह ये देखिए आपने एक स्टाइल बना लिया। इस तरह अगेन आप कंट्रोल आर दबा के इसी तरह मैं एक और शेप बनाता हूँ। ये सर्कल लेके इस तरह ही शेप बना के इसी तरह सेम ये रिपीट कर रहा हूँ। कंट्रोल राइट क्लिक करके कंट्रोल आर, तो इस तरह ये डिज़ाइन आप लोग बना सकते हैं इस रिपीट के कमांड से। इसमें कलर करनी हो तो वो भी हो सकती है यहाँ से कोई भी कलर। तो इस तरह ये रिपीट कमांड का फंक्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं एडिट में। इसके बाद है अंडू मैनेजर। अंडू मैनेजर पे आप क्लिक करें तो अंडू मैनेजर बाय डिफ़ॉल्ट जो लास्ट है फॉर एग्जांपल इस पे स्टेप पे हम डायरेक्टली जा सकते हैं, तो ये एडिट में। इसके बाद कट कॉपी पेस्ट, ये बेसिकली सिंपल फंक्शन है जो ऑलरेडी आप इजीली दूसरे प्रोग्राम में भी है उसी तरह सेम ही है। यहाँ से अब इसी को मज़ीद मैंने इसकी एक डुप्लीकेशन लेनी है तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट का भी फंक्शन है। कॉपी करके फिर हम अगेन पेस्ट करते हैं तो एक और इसकी मतलब पेस्ट मुझे वो कॉपी मिल गई। कट से ये कि यहाँ से ये ख़त्म करके आप किसी दूसरी जगह मूव करना चाहें। इसी तरह पेस्ट स्पेशल किसी खास फॉर्मेट में, वो डिपेंड करता है आपके पास कोई टेक्स्ट है या इस तरह तो वो उस फॉर्मेट में। अभी ये आइडिया इसलिए कि हमारे पास उस तरह की वो कोई चीज़ मैंने कॉपी की नहीं हुई। डिलीट में यह है कि आप जो भी सिलेक्शन होगी उसको डिलीट कर सकते हैं एडिट में। डुप्लीकेट कंट्रोल डी इसकी शॉर्टकट है, कंट्रोल डी दबाएं तो या वहाँ क्लिक करें तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और इसी तरह क्लोन, डुप्लीकेट और क्लोन में डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करूँगा ये डुप्लीकेट होगी, फिर कंट्रोल डी। अब जो ओरिजिनल शेप है अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ, फॉर एग्जांपल इसका कलर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ तो बाकी जो कलर्स हैं वो इफेक्ट नहीं हुए बाकी शेप्स, क्योंकि ये ओरिजिनल ही है लेकिन बाकी इसके साथ लिंक नहीं है। अगर मैं इसको क्लोन कर दूँ
کلون بھی ڈپلیکیٹ کی طرح ہی کام کرتا ہے, لیکن اس میں یہ کہ اوریجنل کو آپ جب کلون کر لیں پھر ڈپلیکیٹ کریں تو اوریجنل میں آپ جو بھی چینجز کریں گے سب میں چینجز ہوگا. اگر اوریجنل کو آپ چھوٹا کریں گے سارے چھوٹے ہوں گے, تو یہ ڈفرینس ہوتا ہے ڈپلیکیٹ اور کلون میں. پھر کاپی پراپرٹیز فرام, آپ نے فار ایگزامپل ایک شیپ بنائی ہے اور کہیں اور سے کوئی اس کی پراپرٹی کاپی کرنی ہے, تو کاپی پراپرٹی فرام یہاں پہ کلک کریں, اس کے فل جو فل ہوا ہے کلر وہ یا آؤٹ لائن کلر یا پین کلر وہ آپ نے یہاں سے کاپی کرنا ہے, تو کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر سکتے ہیں. اور اسٹیپ اینڈ رپیٹ یہاں پہ بھی کوئی آپشن آ جائے, کسی کو یہاں پہ اپلائی کریں آف سیٹ لے کے اپلائی تو ہو جائے گا, ادر وائز آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں سلیکٹ آل میں آبجیکٹ میں یہ جتنے بھی آبجیکٹ بنائے ان کی سلیکشن ہوگی. اگر ہم نے کوئی ٹیکسٹ لیا ہوا ہے تو ٹیکسٹ کی سلیکشن ہوگی, گائڈ سائن لیے ان کی سلیکشن ہوگی. ٹیکسٹ لے لیتے ہیں, ٹیکسٹ یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں, اب اس کو سلیکشن نہیں کرتے ان سلیکٹ کر لیتے ہیں. ایڈٹ میں جا کے آپ سلیکٹ ٹیکسٹ اس پہ کلک کریں, ٹیکسٹ سلیکٹ. گائڈ لائن یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو آپ کے پاس رولر ہے اس کو یہاں سے کلک کریں تو یہ گائڈ لائن ان کو کہا جائے, تو ان کو آپ سلیکٹ کرنا چاہیں تو سلیکٹ گائڈ لائن ڈیلیٹ کر دیں ختم ہو جائیں گے. تو اسی طرح آپ کے پاس فائنڈ اینڈ ریپلیس کی بھی آپشن ہے. فائنڈ آبجیکٹ میں یہاں پہ جو آبجیکٹ آپ بناتے ہیں ان کو فائنڈ کر سکتے ہیں. فائنڈ آبجیکٹ میں ہم ریکٹینگل فائنڈ کرنا چاہتے ہیں, نیکسٹ نیکسٹ کر دیں فنش, تو فائنڈ نیکسٹ نیکسٹ جو ہے. تو اسی فائنڈ کے ساتھ ریپلیس آبجیکٹ یا فائنڈ ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے. تو ریپلیس آبجیکٹ مینس کہ ایک آپ نے آبجیکٹ بنایا ہے, فار ایگزامپل ریپلیس آبجیکٹ میں ہم ریپلیس اے کلر کرتے ہیں, تو فار ایگزامپل یہاں پہ کلر ہم اسی کو سلیکٹ کر کے اس کے ہم کلر ریپلیس کرنا چاہتے ہیں, تو ریپلیس آبجیکٹ میں ریپلیس اے کلر میں جا کے فل میں یہ کلر آپ پک کر لیں, یا یہ پک ٹول ہوگی یہاں سے آپ اس کلر کو ہم فائنڈ کر کے ریپلیس کرنا چاہ رہے ہیں اس کلر کے ساتھ. تو فائنڈ ریپلیس ایک دو تین جتنا بھی ہو ریپلیس آل, فائنڈ آل بھی کر سکتے ہیں اور ریپلیس آل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آپشن, تو یہ تھا ایڈٹ کا مینیو ٹیب جس کے اندر یہ کچھ ٹولس تھی ان کو ہم نے پڑھا. تو نیکسٹ لیکچر کے لیے اللہ حافظ. Please click on subscribe button to subscribe my channel for latest videos.